पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम, क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर, चैप्टर थर्ड क्लेवर फॉक्स एंड ग्रीडी बॉल्स। देयर लिव्ड अ फॉक्स नेम फॉक्सी इन द फॉरेस्ट। एक बार एक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम फॉक्सी था। ही वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत ज़्यादा चालाक थी। अ वॉल्फ ऑल्सो लिव्ड इन द सेम फॉरेस्ट, हिज नेम वॉज वॉल्फ, ही वॉज वेरी कनिंग। और उसी जंगल में एक वॉल्फ भी यानी भेड़िया भी रहा करता था जिसका नाम वॉल्फ था, और वो बहुत ज़्यादा चालाक और धूर्त था। वन डे फॉक्सी वॉज गोइंग टू मीट हिज फ्रेंड द क्रोकोडाइल इन द रिवर। एक दिन फॉक्सी अपने फ्रेंड क्रोकोडाइल से यानी मगरमच्छ से मिलने रिवर के पास, नदी के पास गई। वॉल्फ हैड गोन टू ड्रिंक वाटर इन द रिवर, और जो भेड़िया था वो नदी में पानी पीने के लिए गया था। वैन वॉल्फ सॉ फॉक्सी, और जब फॉक्सी ने वॉल्फ ने एक दूसरे को देखा, ही वॉन्टेड टू ईट हिम, और जो भेड़िया था लोमड़ी को खाने के प्रयास में था। आई एम हंग्री गोल्ड वॉल्फ, और वॉल्फ ज़ोर से चिल्लाया और बोला, मैं भूखा हूँ, आई शैल ईट यू अप, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। फॉक्सी बिकेम स्कैर्ड, और जो फॉक्सी थी बहुत ज़्यादा डर गई थी। डोंट ईट मी प्लीज़, अर्ज फॉक्सी, और फॉक्सी ज़ोर से धीरे से बोलने लगी कि मुझे मत खाओ। वाई डोंट हॉल्ड वॉल्फ, आई एम हंग्री, और जो वॉल्फ था ज़ोर से चिल्लाकर बोला कि क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं खाऊँ, मैं भूखा हूँ। फॉक्सी थॉट फॉर सम टाइम, सून ही हैड एन आइडिया, फॉक्सी ने थोड़ी देर सोचा और उसे एक आइडिया आया। कम विद मी ही सैड, आई विल फाइंड सम फूड फॉर यू। उसके बाद फॉक्सी बोलती है कि आओ मेरे साथ, मैंने तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ के रखा हुआ है। फॉक्सी टुक हिम टू द हाउस इन द विलेज, और वो फॉक्सी उसको गांव के घर में लेके गई। दे लुक्ड थ्रू द किचन विंडो, और वो किचन की विंडो से देख रहे थे। अ वुमन है वॉज बेकिंग केक ऑन द ओवन, और एक महिला ओवन में केक बना रही थी। वॉल्फ वॉज प्लीज्ड आ सैड ही, और वॉल्फ जो था बहुत ज़्यादा खुश था उसको देखकर। द केक मस्ट बी वेरी टेस्टी, द केक मस्ट बी वेरी टेस्टी, केक तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो सकता है। सून द वुमन वेंट आउट ऑफ द किचन शटिंग द डोर बिहाइंड हर, उसके बाद थोड़ी ही देर बाद वो महिला अपनी किचन से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली गई। हाउ कैन वी ईट द गेट द केक, वॉल्फ आस्ट, और वॉल्फ ने बोला कि अब हम कैसे ये केक खा सकते हैं। श सेड फॉक्सी, फॉक्सी ने उसको शांत कराया, लेट अस गेट थ्रू द विंडो, वो कहती है कि अब हम लोग खिड़की से होकर जाएंगे। फॉक्सी वॉज स्लिम, फॉक्सी जो था बहुत ज़्यादा पतला था, ही ईजिली वेंट इन, वहाँ से आसानी से अंदर चला गया। बट वॉल्फ वॉज फैट, लेकिन वॉल्फ बहुत ज़्यादा मोटा था। हाउएवर ही ऑल्सो वेंट इन विथ मच डिफिकल्टी, और वो कैसे भी करके वहाँ पर घुस गया। नाउ वी कैन ईट द केक, वॉल्फ सेड, ही वॉज मच हैप्पी, उसके बाद वो बोलने लगा कि अब हम लोग केक खाएंगे, और वॉल्फ बहुत ज़्यादा खुश था। बी केयरफुल, द वुमेन कैन कम एनी टाइम, सेड फॉक्सी, फॉक्सी ने बोला कि आराम से, क्योंकि महिला किसी भी टाइम किचन में आ सकती है। बोथ ऑफ देम बिगिन टू ईट केक्स, हम दोनों को जल्दी से ये केक खाना चाहिए। फॉक्सी एट द टू केक्स, फॉक्सी ने टू केक्स खाए। देन ही टुक सम केक्स एंड पुट देम आउटसाइड इन द विंडो, और थोड़ी ही देर वो वहाँ से केक लेकर खिड़की के बाहर जाना चाहता था। वॉल्फ वॉज ग्रीडी, वॉल्फ बहुत ज़्यादा लालची था। ही एट वन केक, उसने सिर्फ एक ही केक खाया। देन अनदर एंड अनदर, और उसके बाद फिर से दूसरा और दूसरा। ही वेंट ऑन ईटिंग द केक्स, ही एट सिक्स केक्स, बट स्टिल ही डिड नॉट स्टॉप, उसने पूरे के पूरे सिक्स केक्स खाए पर वो रुका नहीं। सडनली फॉक्सी हियर्ड अ साउंड बिहाइंड, और अचानक से फॉक्सी ने एक साउंड सुना। ही लुक बैक, और उसने पीछे मुड़ के देखा। द वुमन हैड ओपन द डोर, जो महिला थी वो दरवाज़ा ओपन खोल रही थी। फॉक्सी वॉज वेरी क्लेवर, फॉक्सी चालाक था। एज सून एज द वुमन केम इन, ही जंप्ड आउट ऑफ द विंडो एंड वैनिश्ड अलोंग विद द केक ही हैड केप्ट आउटसाइड, और उसके बाद जैसे ही उसने महिला को अंदर आते हुए देखा, वो खिड़की से होकर जल्दी से बाहर भाग गया। पुअर वॉल्फ ऑल्सो ट्राइड टू रन अवे थ्रू द विंडो, बट ही कुड नॉट डू सो, जो वॉल्फ था वो भी चाहता था कि वो खिड़की से बाहर चला जाए, पर वो नहीं जा पाए। हिज फैट बैली स्टक इन टू द विंडो, उसकी मोटी कमर उस खिड़की में जाके फंस गई। द वुमन पिक्ड अप अ स्टिक एंड बीट वॉल्फ मर्सीलेसली, उसके बाद महिला ने एक लकड़ी उठाई और वॉल्फ को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से पिटाई की। राइट डाउन द वर्ड मीनिंग इन योर फेयर नोटबुक, स्कैर्ड फियर हंग्री हॉलो केयरफुल अवेयर रिवर वाटर वे ग्रोल स्नैल वॉल्फ गजल प्लीज्ड
happy outside surface. Answer the following question. Where did Foxy live? Foxy lived in a forest. Where was Foxy going one day? One day Foxy was going to meet his friend the crocodile in the river. Question number 3. Why had Wolf gone to the river? Wolf had gone to the river to drink water. Question number 4. What did Wolf say to the Foxy? Wolf said to the Foxy, "I am hungry. I shall eat you up." What was the woman doing? The woman was baking cakes in the oven. Thank you.